पाकिस्तान के मशहूर अदाकार फिरोज खान की साबका अहलिया ने तशद्दुद के शवाहिद अदालत में पेश कर दिए। कराची की फैमिली कोर्ट शर्की में फिरोज खान की जानिब से बच्चों से मुलाकात और हवालगी से मुतालिक केस की समाअत हुई, जहां अलीज़े सुल्तान ने फिरोज खान की जानिब से किए गए तशद्दुद की तस्वीर MLO और पुलिस रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अलीज़े सुल्तान ने कमरा अदालत में कहा कि 3 से 4 साल में फिरोज खान ने मेरे साथ जो किया बताना नहीं चाहती थी। फिरोज खान ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरा बेटा सुल्तान भी इस दौरान जख्मी हुआ था। अलीज़े के वकील बैरिस्टर कायम शाह ने कहा कि मेरी क्लाइंट पर संगीन इल्जाम लगाए गए। नवम्बर 2020 को फिरोज ने अलीज़े को तशद्दुद का निशाना बनाया। 16 नवम्बर 2020 को पुलिस को फिरोज खान के खिलाफ तशद्दुद की रिपोर्ट जमा कराई। बैरिस्टर कायम शाह ने मजीद कहा कि अलीज़े थाने गई तो फिरोज और उसके खानदान ने फोन करके धमकियां दी। फिरोज आए दिन तशद्दुद करते थे, लेकिन बच्चों की वजह से अलीज़े चुप रही। वाज़े रहे कि गुज़िश्ता माह अलीज़े सुल्तान ने जिस्मानी तशद्दुद का इल्जाम लगाते हुए अदाकार फिरोज खान से अलहदगी की तस्दीक की थी। सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में बुध और जुमेरा शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।